मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आज है हम सीसीएनए के लेक्चर नंबर, सीसीएनए के हम है लेक्चर नंबर 1 में। ठीक है, क्या आप सभी लोगों को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? सीसीएनए 200301 जो है, आज हम उसके लेक्चर नंबर 1 में है। ओके श्री, मुझे ये कंफर्म कर दीजिए हाँ या ना बोल के कि आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है या नहीं, कि उसके बाद में मैं कंटिन्यू करता हूँ। ऑल राइट, नितेश आपको दिखाई दे रही है? ओके चलिए, तो सबसे पहला मैं आप लोगों को ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि सीसीएनए क्या है और नया सीसीएनए में क्या क्या चीजें चेंजेस है, हम वो देखेंगे और उसके बाद हम डायरेक्टली जो उसका नया पार्ट है वहां से शुरू करेंगे और एक एक टॉपिक में आपको दिखाऊंगा। और इससे पहले कि मैं लेक्चर शुरू करूं या हम कुछ पढ़े, मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि जो भी चीजें हम करेंगे उसको हम काफी डीप तरीके से करेंगे। सिस्को का जो ऑथेंटिक सिलेबस है 200301, जो इसका एग्जाम, ये जो उसने वेबसाइट पे लिखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंगली ही करेंगे। ना मेरा सिलेबस होगा ना आपका होगा, जो सिस्को ने कहा है सीखने के लिए वो हम अच्छी तरह से एक एक पॉइंट सीखेंगे, और जो उसने कहा है सीखने के लिए वो तो हम सीखेंगे ही, प्लस उसको सपोर्ट करने के लिए जो चीजें चाहिए वो भी हम सीखेंगे। ओके नाउ, तो ये इसका सिलेबस है टोटल का टोटल, और देख लीजिए सारी चीजें जो यहाँ पर होगी, क्योंकि आप लोग अभी शायद न्यू हो सीसीएनए में, लेकिन फिर भी कुछ है हमारे बैच में उनको पता होगा, वो एक्सपीरियंस है, इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो जो भी चीजें होगी लाइव होगी, सिस्को पैकेट ट्रेसर यूज होगा, लेकिन वो छोटे छोटे लैब के लिए। लेकिन जो नई नई चीज आई है, जैसे कि मैं शुरू ही ऑटोमेशन आपको समझाना ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी से शुरू करूंगा, बाकी बेसिक से तो हम जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, जो सबको आता वो तो करेंगे ही, हम लोग एकदम बेसिक से जाएंगे, आप लोगों को जीरो कंसीडर करके ही जाएंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा दिखा देना चाहता हूँ। देखिए हमारे पास रियल डेटा सेंटर है, डीएनए सेंटर है हमारे पास। ठीक है, तो जो भी हम सीखेंगे रियल डिवाइस पर हम सीखेंगे। ठीक है, जो भी सीखेंगे पूरा सब रियल होगा, वो सिस्को पैकेट ट्रेसर पे तो सीखेंगे ही, उसके साथ ही साथ मैं आपको रियल में भी दिखाऊंगा कि ये सब डिवाइस को कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। इतना ही नहीं, ये डीएनए सेंटर ये एसडीवेन में यूज होता है, और तो और हमारे पास में दूसरी भी चीजें हैं, जैसे कि एसडीवेन होता है उसमें हमारे पास आता है वी मैनेज, तो वो वी मैनेज भी हम, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट देना मुझे। वी मैनेज यहाँ से आता है, ये सिस्को का वी मैनेज, ये भी हम लोग ओरिजिनल लाइव डिवाइस पर करेंगे। तो यहाँ पे जो भी प्रैक्टिकल्स होगा वो सिस्को पैकेट ट्रेसर पर भी होगा, प्लस जो चीज़ें लाइव में आपको आनी चाहिए सी, जो लाइव में आपको आनी चाहिए वो सारी की सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे सिखाई जाएगी रियल डिवाइस पे। ठीक है, ये सारी रियल डिवाइसेस है। ठीक है, सिस्को वी मैनेज, सिस्को डीएनए सेंटर। अब अभी आप लोग न्यू हो तो हो सकता है आपको इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन बैच में काफी लोग हैं हमारे जो इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम करते हैं, तो ये चीजें इंडस्ट्री में चल रही है अभी आजकल। ठीक है, तो ये चीजें जो है हम करेंगे। ओके, तो ये सारी चीजें आपको रियल टाइम पे सिखाई जाएगी, इसीलिए मैं बोला कि मैं पहले ही दिखा दूं लेक्चर के शुरू में कि पैकेट ट्रेसर पर भी करेंगे और जो चीजें हैंड्स ऑन आनी चाहिए वो भी करेंगे। इतना ही नहीं, हमारे पास वायरलेस कंट्रोलर भी ओरिजिनल है सी, ये जो रियल टाइम में कंट्रोलर यूज होता है वो हम यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि वीडियो दिखा दिया, पैकेट ट्रेसर पे करा दिया, जरा भी नहीं। जो होगा पूरा हैंड ऑन होगा, ताकि आपको एकदम इंडस्ट्री में जो काम होता है वो आना चाहिए लाइव। ठीक है, अब मैं शुरू करता हूँ बताना कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है लाइव दिखाना, क्योंकि पैकेट ट्रेसर पे 10 राउटर ले लेते हैं, 100 राउटर ले लेते हैं और बताते हैं कि हम ये सिखाएंगे,
वो तो हम करेंगे ही, वो तो हम भी करते हैं, लेकिन जो रियल टाइम एक्सेस होगा वो भी आपको सिखाया जाएगा। जी मैनेज हो गया, ये SD-WAN में यूज होता है, DNS सेंटर हो गया, ये SD-Access में यूज होता है, समझ रहे हो, ये कंट्रोलर हो गया, वायरलेस कंट्रोलर, रियल में कैसे कॉन्फिगर करते हैं, ये सारी चीजें, ये सब रियल में आपको सिखाई जाएगी कि कैसे होता है, कैसे कॉन्फिगर करते हैं, ठीक है। ताकि जब आप इंडस्ट्री में जाओ तो आपको ऑलरेडी उस टूल के बारे में पता होना चाहिए। अब मैं आता हूँ कि हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको दिखा दिया कि हम जो भी करेंगे लाइव इक्विपमेंट का मेरे पास जो है, जो हम करेंगे सैंडबॉक्स पे सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए अभी आता हूँ मैं सिलेबस के ऊपर में कि हम क्या सीखेंगे। तो इससे पहला कि मैं कुछ बोलना चाहूँ, मैं पहले ही बोल देता हूँ, अभी हम सीखने जा रहे हैं CCNA 200-301। अब ये क्या है इसको पहला समझो, इसको पहला समझिए, क्योंकि अभी भी कई स्टूडेंट है हमारे, उनकी क्वेरीज आती है मुझे कि ये CCNA वो CCNA, तो समझ लीजिए कि होता क्या है, ठीक है। ये देखिए पहले क्या होता था, पहले बहुत सारे CCNA होते थे, ठीक है। CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग होता था, ठीक है। CCNA सिक्योरिटी होता था, CCNA वॉइस होता था, CCNA सर्विस प्रोवाइडर होता था, CCNA डेटा सेंटर होता था, ठीक है। और भी कई तरह के CCNA आते थे, बहुत सारे होते थे, ठीक है। तो कई सारे CCNA होते थे, सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर वॉइस डेटा सेंटर, इस तरह से। तो मेजर चेंजेस क्या है, मेजर चेंजेस ये है कि अब इतने सारे CCNA नहीं होते। अब पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक CCNA होता है, वो है CCNA 200-301। तो मतलब ये हुआ कि अगर आपको नेटवर्क इंजीनियर बनना है या नेटवर्किंग लाइन में जाना है तो आपको इतने सारे CCNA करने की जरूरत नहीं है, ये सब खत्म हो गया है। अभी सिर्फ और सिर्फ एक CCNA चलता है, वो है CCNA 200-301, जिसके अंदर सभी की सभी चीजें आएगी और हम इन डेप्थ में जाके एक एक टॉपिक मार्किंग करा करा के आप लोगों को पढ़ाई जाएगी। ओके, यहां तक क्लियर है सभी को? तो इतने सारे CCNA करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही CCNA में करना है। तो बात हो गई कि अब एक ही CCNA जब बचा है तो इसको हम इतने स्ट्रॉन्ग तरह से करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही दिखा चुका हूँ कि जो भी करेंगे वो हम लाइव करेंगे, ये लाइव जो लाइव में यूज होती है सी चीजें, उस तरह पे हम करेंगे। वी मैनेज हो गया, DNS सेंटर हो गया, जो सिर्फ नोट्स बता करके छोड़ देता हम वैसा नहीं करेंगे। सिस्को पैकेट ट्रेसर पे 15 राउटर 20 राउटर ले लेंगे, वैसा भी नहीं करेंगे हम, करेंगे लेकिन जो काम की चीजें जितना सीखना है पैकेट ट्रेसर पे सीख लिया, सीधा सीधा जंप करेंगे लाइव। यहाँ पे आपको पूरी तरह से सिखाया जाएगा कि एक्चुअल में ये सब कैसे चलाते हैं। इतना ही नहीं, ये तो सिर्फ CCNA का हो गया, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे CCNP आता है। CCNP का कोर्स अगर आप हमारा खरीदते हो उसमें और डीप में जाएंगे, उसमें एक्चुअली और घुसेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, DNS सेंटर में और क्या होता है, वी मैनेज में और क्या होता है, डेटा सेंटर में और क्या क्या होता है, और इसके अंदर क्या बोलते हैं हमारा कंट्रोलर को कैसे कॉन्फिगर किया जाता है, सारी चीजें ये सब लाइव होगी पूरा, ठीक है। नाउ इधर था हमारा सिलेबस, कहाँ गया मैं, यहाँ पर है, ठीक है। तो CCNA जो है, जो न्यू CCNA है 200-301, वो 6 पार्ट में डिवाइडेड है। नेटवर्क फंडामेंटल्स, नेटवर्क एक्सेस, IP कनेक्टिविटी, IP सर्विसेज, सिक्योरिटी फंडामेंटल, ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी। ये काफी लोगों का इंटरेस्ट इसमें है, क्योंकि जिन लोगों को जूना CCNA भी अगर आता है, उन्होंने कई CCNA भी करके रखे है, तो ये टॉपिक सभी के लिए नया है। और मैं एक बात आपको बता दूं, ये टॉपिक में जो चीजें लगेगी जो मैंने अभी आपको बताया,
वो सब मैं आपको रियल सिखाऊंगा। जैसे कि इसमें आपको डीएनए सेंटर लगेगा, ठीक है, तो डीएनए सेंटर जो होगा ये मैं आपको रियल में कैसा होता है, रियल पे हम करेंगे ये कैसा होता है, इसको कैसे कॉन्फिगर करते हैं, ठीक है। उसी तरह से इसके अंदर में एसडी वैन होता है, एसडी वैन को कैसे कॉन्फिगर करते हैं, उसको कॉन्फिगर करने के लिए वी मैनेज होता है। तो ये वी मैनेज हम रियल में करेंगे, देखेंगे कि वी मैनेज एक्चुअल में कैसा होता है, और आप लोगों को भी मैं इसका एक्सेस दूंगा, ठीक है। ये कैसा करते हैं, ये एक्सेस मेरे स्टूडेंट्स के लिए होगा सर, जो मेरे पास पेड कोर्स लेते हैं, जैसे कि आप लोगों ने लिया, आपका ये कोर्स अभी आज से स्टार्ट हो गया, तो आप लोगों को ये सारी चीजों का मैं एक्सेस दूंगा। इतना ही नहीं, वायरलेस कंट्रोलर, जो वायरलेस वायरलेस टॉपिक करके है, इसके अंदर वायरलेस कंट्रोलर कैसा कॉन्फिगर करना है वो तक आपको इसमें आएगा। अगर मैं दिखाऊं वायरलेस कंट्रोलर, ये यहाँ पर है सब, ठीक है, इधर पर है सब, ये सारी चीजें जो होती है, रेडियस, WLC का मैनेजमेंट एक्सेस, ये कैसा कॉन्फिगर करना है पूरा, देखिए कॉन्फिगर, ये कैसे कॉन्फिगर करना है, ये लाइव आपको सिखाया जाएगा, सी यहाँ पे। तो जो भी चीजें होगी लाइव होगी, बच्चों के जैसा पैकेट रिसर्व है, 25 राउटर 30 राउटर लेके बता दिया और बोला कि हाँ ये होगा, ऐसा या नहीं होगा, वो भी करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम रियल टाइम पर भी करेंगे, मतलब डबल बेनिफिट, ठीक है। दूसरी चीज, इससे पहले कि मैं और कुछ बताऊं, तो नेटवर्क फंडामेंटल से मैं शुरू करता हूं कि हम क्या क्या सीखेंगे, एक एक करके टॉपिक बताता हूं, क्योंकि आप लोग CCNA में न्यू हो सकता है कि आप फर्स्ट टाइम CCNA के बारे में बैठे हो, जानना चाहते हो क्या है। तो CCNA ये जो कोर्स है, अगर किसी को नेटवर्किंग लाइन में जाना है, राउटिंग स्विचिंग इंजीनियर बनना है, डेटा सेंटर में जाना है, सिक्योरिटी में जाना है, इवन नेटवर्किंग की किसी भी लाइन में अगर आपको जाना है, तो CCNA करना आप लोगों के लिए मैंडेटरी है, ये बेस है, ये बेस अगर आपको आएगा तो आगे का आपको सब आएगा, ठीक है। तो मैं आपको कुछ शॉर्ट शॉर्ट आइडियाज दूंगा कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए, नेटवर्क फंडामेंटल, इसमें जहां पे एक्सप्लेन लिखा है वो आपका थियरी पार्ट है, और जहां पे कॉन्फिगर लिखा है, जैसे कि ये कॉन्फिगर, तो ये आपको एक्चुअली में कॉन्फिगरेशन कराया जाएगा। जो पैकेट ट्रेसर पे हो सकता है वो पैकेट ट्रेसर पे कराया जाएगा, जो रियल टाइम पे हो सकता है वो रियल टाइम पे कराया जाएगा। हर एक लैब आप लोगों को मार्किंग करा करा के पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और ये सारी चीजें मैं आपको रिटर्न में दूंगा, लिखित में, यहाँ पे जो भी चीजें होगी वो रिटर्न में होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें है, जैसे कि राउटर्स क्या होता है, अब इसने डायरेक्ट शुरू कर दिया कि राउटर क्या होता है, L2 स्विच L3 स्विच क्या होता है, तो हम डायरेक्ट यहां से नहीं शुरू करेंगे, हम एकदम बेसिक से जाएंगे। अब जैसे कि हमारे बैच में अभी नितेश बैठा हुआ है, नितेश जो है एक BCom ग्रेजुएट है, और जितने भी लोगों ने मेरा कोर्स लिया है या मुझसे सीख रहे हैं, मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है कि आप लोगों को यहाँ पे एक्सपर्ट बना के ही छोड़ा जाएगा, जो भी सब्जेक्ट आप लोगे उसमें, क्योंकि एक एक चीज आपको मार्किंग करा करा के पढ़ाई जाएगी, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो। हम लोग जीरो से शुरू करेंगे, एक एक चीज बेसिक से शुरू करेंगे कि क्या है कैसे करना है नॉट, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक है, तो राउटर्स होता है, स्विचेस होता है। तो इससे पहले कि ये पूरा सिलेबस है, मैं आपको सेंड भी किया हूँ, मैंने व्हाट्सएप किया हूँ, ईमेल किया हूँ, और तो और इतना ही नहीं, ये कोर्स जब आप करोगे तो आपको सिस्को की जो ऑथेंटिक नोट्स है ओरिजिनल, क्योंकि सिस्को का ये ऑथेंटिक कोर्स हम कराते हैं, सिस्को की जो ओरिजिनल जो ऑफिशियल नोट्स है, Volume 1 और Volume 2, ये दोनों भी आपको मिलेगी कोर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। ये कोर्स में हमारे इंक्लूडेड है, मतलब एक तो लाइव इक्विपमेंट आप कॉन्फिगर करोगे वो तो आपको मिलेगा ही, दूसरी चीज ओरिजिनल नोट्स आपको मिलेगी, तीसरी चीज सिस्को का जो ऑथेंटिक सिलेबस जो उसके वेबसाइट पे दिया हुआ है
वहां से आपको कराया जाए। इसका बेनिफिट क्या है मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से करने में क्या फायदा है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, अभी अभी हुआ है हमारे स्टूडेंट के साथ। मेरे एक स्टूडेंट है, चाहे तो आप उसे कॉल करके पूछ सकते हैं, उनका नाम है रविंदर, वो है कैलिफोर्निया से यूएसए। हमने ऐसे ही एग्जाम टॉपिक के हिसाब से जैसा हम हमेशा पढ़ाते हैं, मैंने वैसे ही उनको पढ़ाया और उनके साथ और भी लोग थे बैच में। उन्होंने सीसीए ने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया, प्रिपरेशन किया, डम्स खरीदा, सारी चीजें करी। जब वो एग्जाम में गए तो डम्स में जो क्वेश्चन आते थे, क्योंकि न्यू सीसीए ने, तो वो क्वेश्चन चेंज होके सिर्फ 10% ही क्वेश्चन डम्स में से आए थे। बाकी का उन्होंने पूरा एग्जाम जो मैंने पढ़ाया था सिलेबस से, इसके हेल्प से उन्होंने पूरा एग्जाम क्लियर किया है और उनको समथिंग 900 के आसपास मार्क्स मिले हैं। ईमानदारी से, झोल से नहीं, सेटिंग से नहीं, ईमानदारी से, कड़ी मेहनत से पढ़ाया गया, कड़ी मेहनत से पढ़ा गया, तब जाके वो बंदा पास हुआ है। ये फायदा होता है किसको के एग्जाम टॉपिक से करने से। कई लोग आपको मिलेंगे, वो अपना ही सिलेबस दिखाने लग जाएंगे कि हम ऐसा सिलेबस दिखाते हैं, ये पढ़ो, वो पढ़ो और डीप नॉलेज मिलेगा। तो वो तो हम भी कराएंगे, वो तो मैं भी कराऊंगा, लेकिन उसके साथ ही साथ पूरी विजिबिलिटी होगी कि सीसीएनए का जो एग्जाम टॉपिक, जो इसने टॉपिक अपने वेबसाइट पे बोला है, वो कवर हो रहा है कि नहीं, और वो भी टिक करा करा के पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं और डीप में जाऊं, क्योंकि आप लोग अभी न्यू हो सकता है कि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, ठीक है, तो मैं कुछ पढ़ा के समझाता हूँ ताकि आपको एक्चुअल में समझ में आए कि किस तरह से लेक्चर होगा। बट उससे पहले, अब जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ये डीएनए सेंटर, ये सब क्या, ये कंट्रोलर आते हैं। अभी आने वाला जो हमारा नेटवर्क है वो एक कंट्रोलर से हैंडल होगा, एक डिवाइस होगी जो उन पूरी डिवाइस को कंट्रोल करेगी। ठीक है, जैसे कि एक डिवाइस होगी नेटवर्क में, कोई एक कंट्रोलर डिवाइस होगी और बहुत सारी अलग अलग डिवाइसेस होगी, वो सभी डिवाइसेस उस कंट्रोलर से कनेक्टेड होगी। मल्टीपल राउटर्स होंगे, मल्टीपल स्विचेस होगी, बहुत सारी डिवाइसेस जो कि वो इस कंट्रोलर से कनेक्टेड होगी। अब ये कंट्रोलर तो खुद एक डिवाइस है, इसको कैसे पता है कि इसको क्या कॉन्फिगर करना है, इसको क्या कॉन्फिगर करना है और इसको क्या कॉन्फिगर करना है, राइट? तो ये कंट्रोलर को हम बोलेंगे एक डैशबोर्ड से, हमको एक एप्लीकेशन मिलेगा, ये एप्लीकेशन की मदद से हम इसको कॉन्फिगर करेंगे। ठीक है, और वो एप्लीकेशन होता है डीएनए सेंटर, जो मैंने आपको दिखाया लाइव, हम लाइव में देखेंगे एक्चुअल में ये कैसे होता है, फोटो नहीं देखेंगे, ठीक है, ना ही कोई पिक्चर देखेंगे उसकी कैसा होता है, कोई वेबसाइट पे जाके दिखाएंगे, एक्चुअल में हम करेंगे वो कि वो होता कैसे है। ठीक है, वो मैं आपको दिखाया भी था कि डीएनए सेंटर कहाँ गया, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये होता है एक्चुअल डीएनए सेंटर लाइव, इसका एक्सेस मैं आप लोगों को दूंगा कि कैसे इसको, कैसे आप जा करके देखोगे ताकि आप अच्छे से हाथ बिठा सको। तो जो सीसीएनए में लोगों ने फोटो में देखा होता है, पिक्चर में देखा होता है, वो लाइव में आप एक्सेस करोगे और इसका एक्सेस मैं आपको दूंगा। ठीक है, क्या यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है? नितेश, यस, ओके। और एक एक चीज, यहां पे भर भर के स्टूडेंट नहीं भरे जाते हैं कि 50 स्टूडेंट भर लिया, 100 स्टूडेंट भर लिया, 25 भर लिया, ऐसे नहीं होगा। उसमें किसको समझ रहा है, किसी को नहीं समझ रहा है, ये मुझे चाहिए ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग होगी, यहाँ पे मैक्स टू मैक्स 5 से 10 स्टूडेंट ही एक बैच में मैं लेता हूँ और मेरे मल्टीपल बैचेस बनते हैं। जिसने पहला बैच में बुकिंग कर दिया वो टाइम स्लॉट उसको अलॉट हो जाता है। ठीक है, एक बैच में मैक्सिमम 5 से 10 बहुत हो गया, उसके ऊपर एक बैच में मैं नहीं लेता, क्योंकि हर स्टूडेंट पे मेरा इंडिविजुअल टारगेट होता है। जैसे कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट बैठे, एक एग्जांपल देता हूँ, जैसा नितेश हो गया,
तो नितेश को मैं पर्सनली जानता हूँ कि नितेश आपको समझा या नहीं। अश्विन बैठा है, अश्विन को मैं पर्सनली पूछूंगा, भाई अश्विन आपको समझा या नहीं समझा, आपको ये मैंने लॉगिन दिया था आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई। धवल बैठा हुआ है, रविंदर बैठा हुआ है, नवनीत बैठा हुआ है, एजाज है, सुफियान है, ठीक है, आप लोगों को समझा या नहीं। तो यहाँ हर स्टूडेंट को पर्सनल लेवल पे पढ़ाते हैं, ठीक है, भर भर के पढ़ा लो, कौन डाउट भी पूछना चाहे तो भी नहीं पूछ सकता, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये बेसिक से शुरू करेंगे, तो चलिए अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, एक्चुअल में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है, कि कैसे पढ़ाई होगी, कैसे आप पढ़ोगे, कैसे आप समझोगे और किस तरह से मैं इसको टॉपिक से रिलेट करूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, एकदम बेसिक से शुरू करता हूं मैं, एकदम हम बेसिक से जाएंगे कि सबको जीरो कंसीडर करके, चाहे कोई इंडस्ट्री का एक्सपर्ट बैठा हो या एक नया बच्चा बैठा हो जिसने अभी अभी ग्रेजुएशन किया है, जॉब ढूंढ रहा है, चाहे जो भी हो, सबको इक्वली पढ़ाया जाएगा और एकदम बेसिक से जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। ऑलराइट, तो सबसे पहला आता है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क, एकदम बेस से जा रहा हूं, एकदम एकदम ही बेसिक। देखो सिलेबस में इसने शुरू करने कहा है राउटर से, लेकिन राउटर से मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ना ही मैं स्विच से पढ़ा रहा हूँ। पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा कि राउटर लगता कहाँ है, स्विच लगता किधर है, उसके बाद उसके रोल्स में आएंगे, उसके बाद आपको मार्किंग कराई जाएगी कि ये था, ये था, आज हमने ये सारी चीजें पढ़ी है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। नाउ लैन, तो लैन क्या होता है, लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर या कम्युनिकेटिंग डिवाइस, अगर वो एक रूम में है, एक फ्लोर पर है, एक सेम बिल्डिंग में है, अगर एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो उनको लैन पे कनेक्टेड कहा जाएगा। और लैन डिवाइस होती है स्विच, और पहले हम यूज करते थे हब, ठीक है। मैं आपको इसको समझाता हूं कैसे, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये आपका एक जो है वो स्विच, एक नेटवर्क का डायग्राम है, ठीक है, पूरा समझाता हूं मैं, जो बोलना चाहता हूं ये पूरा आपको अभी क्लियर करता हूं, ठीक है। ये मेरा एक रूम है, ये मेरा एक रूम है, ठीक है, एक घर में बैठा हूं मैं, अपने ऑफिस में बैठा हूं, अपने रूम में बैठा हूं, ठीक है। मेरे यहां पे 8 कंप्यूटर है, इधर 3, इधर 3 और इधर 2, 8 पीसी है मेरे घर में, या 10 पीसी है, जितने भी है। अब मुझे क्या चाहिए कि मुझे मेरे घर में लैन पे मुझे गेम खेलना था, या 10 बंदे मेरे ऑफिस में काम करते हैं, मुझे 10 पीसी में कनेक्टिविटी करनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं मार्केट से एक स्विच खरीद कर लाऊंगा। अब ये स्विच क्या होता है, पहला तो ये समझिए, ये दिखता कैसे है, ये क्या होता है, ये मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, लाइव ये कैसे होता है, चलिए देखते हैं। पहले ये समझते कि स्विच क्या होता है, ठीक है। अगर आपको मैं दिखाऊं तो स्विच में तो बहुत सारी तरह की होती है, एक नॉर्मल दिखा देता हूं मैं आपको, ये वाली जिसके मैं बात कर रहा हूं अभी, L2 स्विच। देखो सिलेबस में जो इसने बोला है ना, यहाँ पे ये L2 स्विच और L3 स्विच, ये मैं आपको एग्जैक्ट दिखाऊंगा ये क्या होती है और कैसे फंक्शन करती है। ये आपकी L2 स्विच है, ठीक है, स्विच देखिए नितेश ऐसी, आप बीकॉम बैकग्राउंड से हो सकता है आपने कभी नहीं देखा होगा कि स्विच क्या होती है, तो पहला देखिए कि स्विच होती क्या है, उसके बाद समझाता हूं मैं, ठीक है। ये देखो ये स्विच होती है, स्विच मतलब ये एक डिवाइस होती है जो मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करती है, जैसा कंप्यूटर हो गया, प्रिंटर हो गया,
आईपी फोन हो गए, सारी डिवाइस इससे कनेक्ट होती है, ठीक है। जैसा अभी ये स्विच है, यहाँ ये स्विच रखी हुई है, ओके। अभी अगर मैं लू यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ये स्विच मैं खरीद के लेके आ गया, ठीक है। मैं मार्केट गया और ये स्विच मैंने खरीद के लेकर आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये वाला एक पोर्ट है तो यहाँ पे एक पीसी लगा दिया मैंने, यहाँ पे एक पीसी लगा दिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे एक पीसी लगा दिया मैंने, यहाँ पे एक पीसी लगा दिया लाइक दिस। तो ये स्विच क्या करेगा, इन चारों कंप्यूटर में जो सेम रूम के अंदर है, ये सेम रूम में है, मैं अभी तक आगे बढ़ा नहीं, सेम रूम की ही बात कर रहा हूँ। सेम रूम के अंदर में चार कंप्यूटर, आठ कंप्यूटर, दस, जितने भी आप ले लो, ये 48 पोर्ट का स्विच है, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा जूम करके, पहले मैं समझा दूं, ये 48 पोर्ट का स्विच है, ठीक है। तो मतलब इससे आप 48 डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो। नाउ अब ये स्विच क्या करेगा, ये इन लोगों में कम्युनिकेशन कराएगा। मतलब अगर ये वाले पीसी को यहाँ पे कोई डेटा सेंड करना है तो ये स्विच के मदद से बात होगी लाइक दिस। ये स्विच को भेजेगा, स्विच के अंदर एक मैक टेबल होता है, ये भी हम आएंगे बहुत डीप में पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक बहुत ही डीप में जाके पढ़ेंगे, ताकि आपको एग्जैक्ट मालूम होगा कि ये करता क्या है। तो जो स्विच होगा ना, ये एक मैक टेबल बनाएगा। अब ये मैक टेबल क्या होता है, ये टॉपिक पे भी मैं आगे भी पढ़ाने वाला हूँ, ये जस्ट एक मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज दे रहा हूँ बस, मैं अभी तक एक लाइन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये पूरा पढ़ाने वाला हूँ कि स्विच क्या होता है, वो कैसे काम करता है, मैक लर्निंग कैसे होती है, समझ रहे हो। कोई मैक एड्रेस अगर नहीं मिला तो कैसे काम करेगा, स्विच और हब में क्या डिफरेंस है, इंटरव्यू के क्वेश्चन भी कवर करेंगे, एग्जाम के क्वेश्चन भी कवर करेंगे, ठीक है, प्लस रियल टाइम लैब भी करेंगे, और जो पैकेट ट्रेसर में होता है वो भी करेंगे, और क्या कर दूं बताइए आपके खिदमत में, ठीक है। नाउ तो समझ लो, इसका मैक एड्रेस, हर कंप्यूटर का एक मैक एड्रेस होता है। मैक एड्रेस मतलब आगे मैक एड्रेस भी पढ़ाने वाला हूँ कि मैक एड्रेस क्या होता है। अभी एक शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो मान लीजिए कि आपकी बाइक होती है, कार होती है, तो उसका कैसे एक चेसी नंबर होता है, राइट, वो पूरी दुनिया में यूनिक होता है। तो वैसे ही जितनी भी नेटवर्किंग डिवाइस है, हर डिवाइस का एक यूनिक मैक एड्रेस होता है, ठीक है, वो पूरे वर्ल्ड में यूनिक होता है। तो मान लीजिए इसका फर्स्ट जो डिवाइस थी, फर्स्ट जो डिवाइस थी, इसका मैक एड्रेस था AA, इसका मैक एड्रेस था BB, इसका था CC और इसका था DD। तो मैक टेबल में एंट्री होगी कि भाई पोर्ट नंबर 1 पे AA कनेक्टेड है, पोर्ट नंबर 2 पे BB कनेक्टेड है। तो अब अगर A को B से बात करनी है तो ये यहाँ से फाइल भेजेगा, स्विच अपना मैक टेबल चेक करेगा कि किधर है B, तो देखेगा B पोर्ट नंबर 2 पर है, सिर्फ एग्जैक्ट B को ही भेजेगा, ठीक है। तो ये होता है स्विच, ठीक है, स्विच है ये। स्विच में वैरायटीज होती है, उसके ऊपर भी मैं आऊंगा, क्योंकि आज पहला लेक्चर है तो ज्यादा ओवरलोड नहीं कर सकता हूँ, और एकदम बेसिक से जाना है मुझे। तो मैं बस आपको सिर्फ दिखा रहा था कि स्विच क्या होता है, वो कैसे काम करता है, इसके डीप में भी हम जाएंगे आगे धीरे धीरे, ठीक है। तो देखो स्विच ऐसा होता है, इसके अंदर मैं आपको बोला था, देखो 48 पोर्ट पे खत्म हुआ है। अच्छा ये कौन से पोर्ट होते हैं, ये वो पोर्ट होते हैं जो स्विच टू स्विच कनेक्ट होते हैं, ठीक है। स्विच टू स्विच मतलब अभी ये तो स्विच है, मान लो यहाँ पे और एक एक स्विच लगा था आपके घर में ही, या आपके नेबर के रूम में ये स्विच था, उसके पास भी चार कंप्यूटर थे और उनको भी लैन पे गेम खेलना था आप लोगों के साथ, या आपके बाजू वाले रूम में, ठीक है। अब मुझे ये स्विच से ये स्विच को कनेक्ट करना है, तो ये वाले जैसे यहाँ पे 2 पोर्ट है, वैसे यहाँ पर भी 2 पोर्ट हो गए लाइक दिस। और यहाँ पे चाहे तो फाइबर केबल लगा लो, चाहे तो दूसरे भी यहाँ से इधर से, यहाँ से नॉर्मल ट्विस्टेड पर यहाँ से लगा सकते, तो नॉर्मली यहाँ पे फाइबर का मॉड्यूल कनेक्ट होता है, ठीक है। आगे सब आने वाला है, ये मैं आपको जस्ट एक क्विक रिव्यू दे रहा हूँ कि कैसे काम होता है। फाइबर का मॉड्यूल लगेगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी एक फाइबर के मॉड्यूल लगेंगे, ठीक है।
और एक फाइबर केबल, दो केबल कनेक्ट होगा, एक सेंडिंग के लिए और एक रिसीविंग के लिए इस तरह से। तो ये जो पोर्ट होते हैं, दिखाना सिर्फ ये मकसद ये था कि ये जो दो पोर्ट होते हैं ये स्विच टू स्विच कनेक्टिविटी के लिए होते हैं। क्लियर हो गया? नाउ ये देखिए, क्योंकि इनका आकार आप देखोगे तो अलग है इनसे। तो यहाँ पे RJ45 कनेक्ट होता है, यहाँ पे फाइबर के मॉड्यूल लगते हैं। ये कैटलिस्ट स्विच है 2960 सीरीज का। अगर इसका बैक पैनल दिखाऊं मैं आपको, सी कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ पावर कॉर्ड के लिए पावर देते हैं, ठीक है। ये होता है आपका L2 स्विच, और इस स्विच की मैं बात कर रहा था कि मार्केट जाके ये स्विच खरीद कर लाऊंगा मैं, ठीक है। और भी छोटे भी स्विच आते हैं, 1000-1200 वाले भी आते हैं, वो होते हैं नॉन मैनेजेबल, ठीक है। वो नॉन मैनेजेबल हमारे कोर्स में फिलहाल नहीं है, तो उसके बारे में थोड़ा सा क्विक रिकैप दे दूंगा। नॉन मैनेजेबल स्विच वो होता है जो आप कॉन्फिगर नहीं कर सकते, वो सिर्फ फॉरवर्डिंग करेगा। जो घर में छोटे छोटे से स्विच ला के रखते हैं, 4-5 PC, 6 पोर्ट का, 5 पोर्ट का, वो नॉन मैनेजेबल होते हैं, ठीक है। ये मैनेजेबल है, मतलब इसको आप कॉन्फिगर कर सकते हो, अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो। तो मैं ये वाले स्विच की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा दिखता है स्विच। तो मैं आता हूँ टॉपिक पे मेरे यहाँ। तो मेरे कंप्यूटर, मेरे घर में 8 कंप्यूटर थे, इन्हें कनेक्ट करना था। मेरी एक ऑफिस थी, एक रूम है ऑफिस का मेरे, ये मेरे ऑफिस का एक रूम है, ठीक है। यहाँ पर आकर के मैं कनेक्ट करना है मुझे, 8 कंप्यूटर, 8 एम्प्लॉय बैठे हैं मेरे ऑफिस में। तो मैं क्या करूंगा, तो मैं स्विच लेकर आ गया और सभी कंप्यूटर को वो स्विच से कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे बैठा हुआ यूजर यहाँ वाले से आराम से डेटा शेयर कर सकता है विदाउट फेल। और कौन कराएगा? स्विच कराएगा। तो अगर मेरे ऑफिस में, मेरे रूम में ये कंप्यूटर जो है एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो ऐसा कहा जाएगा कि ये रूम में जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड है, ये सारे कंप्यूटर एक दूसरे से लोकल एरिया नेटवर्क पर कनेक्टेड है। क्या यहां तक क्लियर है? इतना ही नहीं, जो लैन होता है वो रूम तक लिमिटेड नहीं होता। जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये मेरी एक ऑफिस की बिल्डिंग है, और ऑफिस की बिल्डिंग में मल्टीपल फ्लोर्स है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, मल्टीपल फ्लोर्स है, ठीक है। अब ये फर्स्ट फ्लोर पे मैंने स्विच लगा के रखा हूँ, और फर्स्ट फ्लोर पे तकरीबन बहुत सारे स्विच लगे हैं, 4 स्विच 5 स्विच, जितने कंप्यूटर थे उतने स्विच लगे हुए, और फर्स्ट फ्लोर पे पूरी कनेक्टिविटी हो गई है। तो ऐसा कहा जाएगा कि ये फ्लोर पे जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड है, ये सारे कंप्यूटर एक दूसरे से लैन पर कनेक्टेड है। क्लियर? क्या यहां तक समझा? ओके। इतना ही नहीं, मान लीजिए कि ये पूरी बिल्डिंग है मेरे ऑफिस की। अब ये पूरे बिल्डिंग के पीसी को अगर एक दूसरे से कनेक्ट कर दूं, हर फ्लोर पे एक स्विच रखा हुआ है, राइट? तो अगर मैं ये पूरे बिल्डिंग के हर स्विच को एक दूसरे, एक मेन स्विच ला करके रख दूं, जिसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लेयर्स, आगे जाके आप सीखोगे एक्सेस लेयर, कोर लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। तो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर का एक L3 स्विच लाके अगर मैं लगा के सबको कनेक्ट कर दूं, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे बैठा हुआ यूजर फिफ्थ फ्लोर वाले को एक्सेस कर सकता है, तो ऐसा कहा जाएगा कि ये बिल्डिंग में जितने भी कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये सारे कंप्यूटर एक दूसरे से लोकल एरिया नेटवर्क पर कनेक्टेड है। क्या यहां तक क्लियर है? ऑलराइट। तो यही मैं बोल रहा था, दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर या कम्युनिकेटिंग डिवाइस, अगर वो एक रूम में है, एक फ्लोर पर है, एक सेम बिल्डिंग में है, अगर एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो
तो उनको लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क पर कनेक्टेड कहा जाएगा। और लैन में जो डिवाइस यूज होती है वो होता है स्विच, जो मैंने आपको रियल में दिखाया हूं कि कैसा दिखता है। ये डिवाइस लैन में यूज होता है। ये देखिए, ये नीचे से ऐसा दिखता है, सामने से ऐसा दिखता है, साइड से ये ऐसा दिखता है, पीछे से ऐसा दिखता है सी। और ये कौन सा स्विच है? ये L2 स्विच। L2 स्विच, L3 स्विच क्या होता है वो मैं दिखाऊंगा आगे, ठीक है। स्विच समझिए पहला, ये स्विच क्या करता है, लैन में कम्युनिकेशन करवाता है, सेम नेटवर्क में कम्युनिकेशन करवाता है। नितेश, अश्विन, क्या आप लोगों को समझाइए? नितेश आप बताइए, समझ रहे हैं ना, क्योंकि आप एकदम अलग बैकग्राउंड से, और मैंने प्रॉमिस किया सभी लोगों को कि चाहे आप कोई भी बैकग्राउंड से हो, एकदम बेसिक से पढ़ाया जाएगा, रियल टाइम चीजें बता के पढ़ाई जाएगी, रियल टाइम एक्सेस दे के पढ़ाया जाएगा, ठीक है, ताकि आप कंपनी में जाओ तो आपने सच में वो चीज कॉन्फिगर की थी, ठीक है। अश्विन आपको समझ रहा है सब? अश्विन सर ट्रेवल कर रहा था वो। चलेगा चलेगा, ओके, अब म्यूट पे चले जाइए, ठीक है। नितेश आपको समझ रहा है ना, आप हाँ या ना बोलते रहिए, ठीक है, क्योंकि आप साइलेंट जगह पे बैठे हो। यही फायदा होता है ऑनलाइन ट्रेनिंग का, कि आप कहीं पे भी बैठिए, ट्रेवलिंग कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, इधर फंस गए हो, आराम से अपना मोबाइल चालू किया, नेट चालू किया, अपना पढ़ने लग गए, आपका लेक्चर मिस नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया लैन। अब अच्छा, अब नोट्स कैसे बनाएंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, आपके मोबाइल फोन के नीचे या आपके लैपटॉप के नीचे आपको स्नैपशॉट का ऑप्शन मिलेगा। नितेश अपना मोबाइल स्क्रीन पे टैप करिए, नीचे स्नैपशॉट का स्क्रीन, उस पर क्लिक करिए। हाँ, स्क्रीनशॉट, स्नैपशॉट करके लिखा होगा या स्क्रीनशॉट लिखा होगा, उस पर टैप करिए तो एक स्क्रीनशॉट जनरेट होगा और वो हमारे ग्रुप के चैटिंग में आ जाएगा। तो ये आपकी नोट्स हो गई, ठीक है। तो ये भी नोट्स होगी, प्लस सिस्को की जो ओरिजिनल नोट्स है वो भी मैं दूंगा, तो आपके पास मल्टीपल नोट्स हो जाएगी, ठीक है। स्टडी मटेरियल की कमी भी नहीं होगी कभी। क्या आपने लिया स्नैपशॉट? जी, मुझे दिखाई नहीं दिया, क्यों भाई, जरा देखू जाके। तो देखिए, ये चैटिंग होती है ना जो हमारी, यहां पर आएगी, या नहीं, इधर अभी तक आया नहीं है। आप जो है ना, वापस से स्नैपशॉट पे क्लिक करिए, स्नैपशॉट करके ऑप्शन दिखेगा, आप उस पर टैप करेंगे ना, तो डबल टैप या एक टैप करिए तो स्क्रीन का स्नैपशॉट आएगा इधर से। मोबाइल का स्क्रीनशॉट अलग होता है, आपको स्काइप का स्क्रीनशॉट लेना है, जिस स्काइप से आप एक्सेस कर रहे हो, राइट, उस पर क्लिक करोगे ना तो आपको नीचे लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, जिधर से कॉल कट होगा या कॉल लगेगा, उसके बाजू में आपको स्क्रीनशॉट या स्नैपशॉट का ऑप्शन दिखेगा। अश्विन अगर आपको दिख रहा है तो आप ले लीजिए प्लीज। रहेगा जैसा स्क्रीन होती है ना आपके मोबाइल की, मोबाइल की स्क्रीन के जिधर से कॉल लगता है या कॉल कट होता है, वीडियो का कॉल कट का ऑप्शन होगा, उसके साइड में स्नैपशॉट का ऑप्शन भी होगा। शेयर नहीं करना है आपको, स्क्रीनशॉट स्नैपशॉट पे क्लिक करना है, वो ग्रुप में आ जाएगा। हाँ देखो आ गया, सी सी, आप म्यूट पे चले जाइए अश्विन, अश्विन म्यूट पे चले जाइए। ये देखिए, देखा नितेश, ये देखिए, ये स्क्रीनशॉट इधर पे इधर नोट्स बन के आ गया, ठीक है। तो आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ सबनेटिंग सुपरनेटिंग जो होगा वो सब
आपको लिखना क्या कॉन्फिगर करना है वो सब आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको सिखाया जाएगा, आपको पढ़ाया जाएगा। अब इसका थ्योरी है, ये थ्योरी है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई एक आदमी ही लेना, ठीक है, नहीं तो सभी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेंगे तो एक पीडीएफ के मल्टीपल स्क्रीनशॉट हो जाएंगे। तो ये एक सैंपल टॉपिक मैंने आपको पढ़ा के दिखाया कि इस तरह से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। L2 स्विच होता है, L3 स्विचेस होते हैं, राउटर्स भी होते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक दिखाता हूं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैन। मैन स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये क्या होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क? मतलब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर या कम्युनिकेटिंग डिवाइस जो एक दूसरे से ज्योग्राफिकली सेपरेटेड है लेकिन सेम सिटी के अंदर है, अगर एक दूसरे से कनेक्टेड है तो उनको मैन पे कनेक्टेड कहा जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। अब मैं रहता हूँ मान लीजिए मुंबई में, ठीक है। अब मुंबई में जो मेरी ब्रांच ऑफिस है वो दो जगह पर है, ओके। मैं रहता हूँ मुंबई में, ओके। मुंबई में मेरी जो ब्रांच ऑफिस है, मेरी जो ऑफिस है वो दो जगह पर है। एक है भाईकला पे जो मेन सेंटर है मेरा, जहां पर मैं एक्चुअल में बैठा हूँ या अभी मैं यहीं पे बैठा हूँ, और एक है दादर में, ओके। अब मेरी दो ब्रांच ऑफिस है और मुझे मेरी दो ब्रांच ऑफिस को कनेक्ट करना है प्राइवेटली, इंटरनेट से नहीं, प्राइवेटली। इंटरनेट से तो कनेक्ट हो सकते हैं, 500 रुपया नेट का भर के कनेक्ट होके, तो नेट से प्रॉब्लम ये होता है कि मेरे कंपनी का जो प्राइवेट कनेक्शन मतलब प्राइवेट डेटा है वो किसी के हाथ ना लग जाए। इसीलिए जो बहुत बड़ी कंपनीज होती है, ठीक है, वो अपना खुद का नेटवर्क या तो यूज करती है या तो प्राइवेट लाइन लेती है जिसे कहते हैं लीज लाइन, LL मतलब लीज लाइन। तो मैं क्या करूंगा, मुझे प्राइवेट कनेक्टिविटी चाहिए तो मैं जाऊंगा सर्विस प्रोवाइडर के पास। सर्विस प्रोवाइडर बहुत सारे हैं, जैसे कि टाटा कम्युनिकेशन हो गया, रिलायंस हो गया, वोडाफोन हो गया, ऐसे बहुत सारे। तो इनके पास जाऊंगा और बोलूंगा कि भाई मुझे मेरे दो ब्रांच ऑफिस के बीच में प्राइवेट कम्युनिकेशन चाहिए, तो वो अपना इंजीनियर भेजेगा, वो इंजीनियर आके राउटर लगाएगा, वो इंजीनियर आकर के राउटर लगाएगा या फिर L3 स्विच लगाएगा, वो आगे आपको पता चल जाएगा, मैं आऊंगा आगे धीरे धीरे, और वो राउटर स्विच से कनेक्ट हो जाएगा लाइक दिस। सिमिलरली वो दादर पे जाके वहां पे भी एक राउटर लगाएगा, उस राउटर को स्विच से कनेक्ट कर देगा और राउटर टू राउटर कनेक्टिविटी कर देगा। अब ये राउटर टू राउटर जो कनेक्टिविटी हुई है ये हवा में कोई वायर नहीं गया है, ये आप लोगों को समझाने के लिए कि भाई कनेक्टिविटी है, ये ऐसा दिखाया जा रहा है डायग्रामेटिकली, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है कि सर्विस प्रोवाइडर के मल्टीपल पॉप लोकेशंस होते हैं जिनको कहते हैं पॉइंट ऑफ प्रेजेंस लोकेशन। आ सर्विस प्रोवाइडर की हर ऑफिस हर जगह पर होती है, इंटरकनेक्टेड होती है। तो जब मैंने भाईकला से दादर के बीच में प्राइवेट कम्युनिकेशन मांगा तो उसने क्या किया, उसकी जो नियर बाय की जो ब्रांच ऑफिस थी भाईकला में वहां से उसने मुझे कनेक्शन दिया, और दादर की जो नियर बाय ऑफिस थी वहां से उसने मुझे कनेक्शन दिया। तो अगर मैं भाईकला से कोई डेटा दादर सेंड करता हूं तो क्या होगा, तो वो डेटा मेरे पीसी से स्विच पे जाएगा, स्विच से राउटर पर जाएगा, मेरे राउटर से मेरे सर्विस प्रोवाइडर के राउटर पे जाएगा, उसके ब्रांच ऑफिस पर जाएगा, उसके नेटवर्क से होते हुए दादर पहुंचेगा, दादर से दादर के राउटर पर जाएगा, वहां से मेरे ऑफिस पर जाएगा, मेरे स्विच पर जाएगा और फिर जाके उसको मिलेगा। इस तरह से कम्युनिकेशन होता है मैन में, ठीक है।
तो मैन का मतलब है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर या कम्युनिकेटिंग डिवाइस जो एक दूसरे से ज्योग्राफिकली सेपरेटेड है लेकिन सेम सिटी में है, अगर एक दूसरे से कनेक्टेड है तो उनको लैन पर कनेक्टेड, मैन पर कनेक्टेड कहा जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं रहता हूं मुंबई में, भायखला अलग जगह पर है, दादर अलग जगह पर है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से ज्योग्राफिकली सेपरेटेड है लेकिन ये दोनों भी सेम सिटी में है मुंबई। तो अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर है जो एक दूसरे से ज्योग्राफिकली सेपरेटेड है, सेम सिटी में है, अगर फिर भी किसी नेटवर्क पे एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो ऐसा कहा जाएगा कि आपकी दो ब्रांच ऑफिस एक दूसरे से मैन पर कनेक्टेड है। क्लियर हो गया? और मैन में जो डिवाइस यूज होता है वो होता है राउटर। अब राउटर कैसे दिखता है वो भी मैं आपको रियल में दिखाऊंगा कि वो कैसे दिखता है। सी, ये राउटर पर गया मैं, बहुत सारे राउटर्स है, एक कोई भी एक दिखा देता हूं मैं, बहुत बड़ी बड़ी सीरीज के है, कोई भी ले लेगा ना, तो VH वाले राउटर है, कोई भी एक ले लेते, चलिए ये ले लिया। ठीक है, तो देखिए ऐसा चौकोन होता है, राउटर गोल नहीं होता है। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो डायग्राम देखते हैं, एक्चुअल में ये डायग्राम देखते हैं तो उनको लगता है कि राउटर गोल है, तो भाई मेरे राउटर गोल नहीं है, राउटर ऐसा दिखता है ये, और इस तरह का चौकोन ही होता है, अक्सर स्क्वायर में होता है। ठीक है, ऐसा होता है राउटर। राउटर के बैक पैनल में उसका मेन काम होता है, जो मैंने आपको स्विच दिखाया था उसका मेन काम उसके फ्रंट पैनल में होता है। स्विच में क्या होता है, मल्टीपल पोर्ट लगे होते हैं यहाँ पे और सारे PC वहां से कनेक्टेड होते हैं। तो स्विच का जो मेन काम होता है, L2 स्विच का जो मेन काम होता है वो सामने से होता है। लेकिन अगर मैं राउटर की बात करूं तो ये देखिए राउटर, ये देखिए, ये पीछे से इसके बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, ये सारे पोर्ट्स होते हैं उसके अंदर। ठीक है, और उसका कंसोल पोर्ट वगैरह सब रहता है, ये इस तरह का, ये ऑन एंड ऑफ का उसका बटन होता है। ठीक है, ये सारी चीजें राउटर में यूज होती है, इस तरह का राउटर दिखता है, तो राउटर ऐसे दिखता है। ठीक है, तो राउटर जो है वो गोल नहीं होता है। ठीक है, अगर मैं उसको रिमूव करके दिखाऊं, ये देखिए इस तरह का कार्ड वगैरह भी आप एडिशनल भी डाल सकते हो। तो राउटर के अंदर जो पोर्ट लगे होते हैं वो पोर्ट्स आप अगर देखोगे तो नॉर्मल एक जैसा हम कंप्यूटर में कोई भी एक्सटर्नल कार्ड कनेक्ट करते हैं वैसे ही होता है। ठीक है, इस तरह से आप उसमें बैठ सकते हैं कोई भी चीज। अच्छा चलो, लगे हाथ में जब दिखाई रहा हो तो आपको L3 स्विच भी दिखा दूं। स्विच मैंने आपको दिखाया था, मैं पहला राउटर खत्म कर लूं फिर L3 स्विच L2 दोनों दिखाता हूं और लाइव कैसे दिखता है वो एक्चुअल में। ठीक है, तो क्या आप लोगों को ये वैन समझ में आया, मतलब राउटर का क्या रोल है यहाँ पे? राउटर एक ऐसी डिवाइस है, राउटर के बारे में आगे बहुत डीप में जाने वाला हूँ कि राउटर कैसे पैकेट भेजता है, पैकेट कैसे बनती है, पैकेट में क्या क्या होता है, उसके हेडर्स कैसे होते हैं, पैकेट कैसी होती है, कैसे बनती है, कैसे जाती है, राउटिंग टेबल कैसे फॉर्म होता है, सारी चीजें आगे आने वाली है। ये जस्ट एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। तो राउटर एक ऐसी डिवाइस है जो दो अलग नेटवर्क में बात कराता है। राउटर कम्युनिकेट्स इन डिफरेंट नेटवर्क, जैसे कि भायखला में चल रहा है 10.0.0.0 का नेटवर्क, दादर में चल रहा है 192.168.1.0 का नेटवर्क,
तो जब आपको दो अलग नेटवर्क में बात करानी होती है तब आप राउटर का यूज करते हो या फिर आप L3 स्विच भी यूज कर सकते हो। आगे मैं बताऊंगा कि L3 स्विच और राउटर में क्या डिफरेंस है। पहले मैं आपको उनकी शक्ल दिखा दूं कि वो दिखते कैसे है, ठीक है, ताकि जब मैं स्विच पढ़ाऊं या राउटर पढ़ाऊं तो आपके दिमाग में एक लाइव इमेज रहनी चाहिए कि वो दिखता कैसा है, ठीक है। चलिए, तो राउटर एक डिवाइस होती है जो दो अलग अलग नेटवर्क या 100 अलग अलग नेटवर्क में बात कराने के लिए यूज होता है। आप राउटर की जगह पे L3 स्विच भी यूज कर सकते हो। L3 स्विच वो स्विच होता है, L3 स्विच को हम मल्टीलेयर स्विच भी कहते हैं। मल्टीलेयर स्विच क्यों मल्टीलेयर स्विच? क्योंकि वो दोनों लेयर का काम करती है। लेयर 3 पे वो राउटर का भी काम करती है और लेयर 2 पे वो स्विच का भी काम करती है, इसके लिए इसको मल्टीलेयर स्विच कहते हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट में मैं ये समझ जाना चाहता हूँ कि स्विच लैन में यूज होता है और स्विच सेम नेटवर्क में बात कराता है, लेकिन L2 स्विच। स्विच में दो टाइप्स होते हैं, L2 और L3। इसके बारे में काफी डीप में हम जाएंगे, लेकिन थोड़ा लेक्चर बाद, ठीक है, अभी न्यू हो, पहला ही लेक्चर है, ठीक है। राउटर, राउटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो दो अलग अलग नेटवर्क में बात कराने के लिए यूज होता है। मैन में यूज होता है, वैन में यूज होता है, ठीक है। अब ये कैसा दिखता है, इसकी सिमेट्री वगैरह दिखाता हूं मैं आपको। तो राउटर में आपको दिखा दिया था, राइट, मैं आपको L3 स्विच दिखाने जा रहा था। तो ये देखिए, राउटर स्विच में अगर मैं आ गया तो एक ये भी L3 स्विच होता है, सी, जो L2 के ही जैसा दिखता है, आएगा अभी। ये सिस्को का 3650 का 48 पोर्ट का POE वाला स्विच है। POE क्या होता है ये भी आने वाला है, ये हमारे सब सिलेबस में है, ठीक है। तो ये सिस्को का स्विच है हमारा, ये L3 स्विच है, सेम टू सेम L2 के ही जैसा दिख रहा है सी, लेकिन काफी फीचर्स है इसके अंदर में और ये दोनों का काम करता है, L2 L3 दोनों का ये काम करता है, ठीक है। और भी आते हैं L3 स्विच में, बड़े बड़े भी आते हैं जो 4 लेयर वगैरह पे यूज होते हैं। देखिए अब ये अगर दिखाओ, देखिए कितना बड़ा है ये देखिए, ये भी एक स्विच है, इसको कैटलिस्ट 6-8, इसके अंदर देखिए हर चीज डबल डबल वगैरह लगी है। अभी देखाता हूँ मैं, देखिए ये रिमूव करते, देखिए ये, तो ऐसे पोर्ट्स, अलग अलग पोर्ट्स भी उसके अंदर हम डालते हैं, जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से हम ये पोर्ट्स वगैरह यहाँ पे डालते हैं। सब हाई लेवल पे इतना बड़ा स्विच यूज होता है, तो सर्किट वगैरह रहती है और इस तरह से ये लगेगा यहाँ पे, ओके। इसी तरह से और भी उसके अंदर बहुत सारी चीजें, अगर मैं दिखाऊं, ये देखिए ये भी रिमूव होएगा अभी, ठीक। तो ये L3 स्विच होता है, ये स्विचिंग और राउटिंग दोनों करेगा, मतलब इस तरह से, ठीक है। किसको का कैटलिस्ट 6800 वाला है ये। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर में, आप इसको देख सकते हो हर तरफ से सी कैसा दिखता है, ये लाइव में देख रहे हैं आप कैसा दिखता है, सी फोटो नहीं है ये, कहीं से भी देखिए, ठीक है। पावर फैन का सप्लाई देखिए, दो दो लगा यहाँ पे, ये निकलता है इस तरह से, ये इसका पावर फैन होता है, जैसा हमारे कंप्यूटर में पावर फैन होता है वैसा ये पावर फैन इसमें भी होते है, ठीक है, जो उसके हीटिंग से इसको बचाते है, इस तरह से लगता है ये यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका L3 स्विचेस होता है, अलग वाला जो काफी कोर लेयर पे यूज होता है, ठीक है। तो मैं पढ़ाया भी नहीं हूं अभी तक से मैंने एक झलक दिखाया हूँ, ठीक है, कि राउटर क्या होता है, L2 स्विच L3 स्विच कैसी होती है। इसके और भी डीप में जाना बाकी है, अभी क्लियर कर दूं, अभी तक मैंने राउटर पढ़ाया भी नहीं हूँ, सिर्फ उसके बारे में दिखाया हूँ थोड़ा बहुत। तो मैं दिखाना ये चाहता था कि इसी तरह से हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, जितने भी टॉपिक्स है, एक एक टॉपिक मैं गिनाऊंगा नहीं, क्योंकि
गिना के नहीं मतलब है, करा के मतलब है, ठीक है। तो सारी चीजें जो है वो आपको लाइव कराई जाएगी, लाइव लेक्चर होगा। और मैंने आपको पहले भी दिखा दिया था कि डीएनए सेंटर जो होता है या वी मैनेज जो होता है, ये लाइव इसका मैं आपको एक्सेस दूंगा। एक्चुअली मैं आप इसको कॉन्फिगर करोगे, इसको देखोगे कैसा करना है, सी ठीक है। ये अभी मैं लॉगिन लिया था तो उसका टाइम आउट हो गया है, ठीक है। एक्चुअल में आप इसको देखोगे कि इसको कैसे कॉन्फिगर करना है। तो सीसीएनए में जहां बच्चे सिर्फ इसका फोटो देखते हैं, आप इसको एक्चुअल में कॉन्फिगर करोगे, इसको एक्सेस करोगे। ये वी बॉन्ड क्या होता है, वी एज क्या होता है, वी स्मार्ट क्या होता है, वी मैनेज क्या करते हैं, एक एक चीजें आपको दिखाऊंगा मैं। इतना ही नहीं, कंट्रोलर भी है हमारे पास, डीएनए सेंटर का कंट्रोलर है। ये कंट्रोलर को भी एक्चुअल में आप कॉन्फिगर करोगे पूरा, ठीक है। तो ये फोटो दिखा के या पैकेट ट्रेसर में करा के नहीं चलेगा, लाइव में आपको कराया जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका लेक्चर नंबर 1, ठीक है। तो आपको क्या इसके बारे में कुछ बोलना है तो अभी आप बोल सकते हो।